चैनल वापस आ गया है। वीकेंड और हम निकल गए हैं बाहर जाने के लिए। आज भी हम लकीली वापस ब्रैम्पटन जा रहे हैं और आज हमें थोड़ा सा काम है इसीलिए हम ब्रैम्पटन जा रहे हैं और आज ही आज हम वापस भी घर आ जाएंगे। और दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा ही बारिश, आंधी, तूफान, ऐसा मौसम हो रखा है कि पूछो ही मत। लाइक टेम्परेचर अच्छा है, इट्स लाइक 17-18 डिग्रीज, लेकिन हवा और बारिश कुछ ज़्यादा ही चल रही है। अभी ही थोड़ा सा क्लियर है लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। सो फिलहाल हम गैस स्टेशन रुके हैं टू फिल द पेट्रोल और उसके बाद हम जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन पे। उससे पहले हमें एक फ्रेंड से मिलने जाना है तो हम पहले वहाँ जाएंगे फिर वहाँ से जाएंगे ब्रैम्पटन। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। और इतने दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने कुछ व्लॉग भी शूट नहीं किया, तो बस अब आज से ही कर रही हूँ वापस और देखते हैं क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए अभी मैं बोल रही थी कि मौसम का कुछ भी पता नहीं है और एकदम से धूप आने लगी, देखो मेरे हाथों पे भी, और एकदम से अच्छा वेदर हो गया। लेकिन ऐसे हवा ज़्यादा ही है, अदरवाइज़ वेदर तो अच्छा है, टेम्परेचर वाइज अच्छा है, 17-16 डिग्रीज है, पर थोड़ी सी बस हवा की वजह से ठंड लग जाती है। A few moments later. So, यहाँ हम शॉपिंग करने के लिए आ गए थे और जैसा हमने सोचा था कि हम घर वापस आ जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हम शॉपिंग में इतने बिजी हो गए क्योंकि हम क्लोजिंग टाइम पे पहुँचे थे, तो हमने फटाफट से शॉपिंग कर ली और इतने बिजी हो गए कि हम कुछ शूट नहीं कर पाए। बट आई विल शो यू गाइस मैंने क्या ख़रीदा, बट दिस वॉज आवर विजिट टू शॉपिंग मॉल। सो शॉपिंग के बाद हम आ गए थे बाहर खाना खाने और उसके बाद हम चले गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। सो दैट्स हाउ द होल डे वॉज। मैं इतना कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज हम इतने सारे लोग थे तो हम मस्ती करने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि मज़ा ही आ गया। और हाँ, वहाँ जहाँ हम डिनर के लिए गए थे वहाँ पे लाइट्स बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही थी, इसीलिए आपको यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है प्रॉपर। सो हम आ गए थे तवा आइसक्रीम खाने के लिए, विच इज़ लाइक अ रोल्स आइसक्रीम। स्पेसिफिकली इन ब्रैम्पटन दिस प्लेस इज़ कॉल्ड आइस फ्लेम और यहाँ पे हर एक इंडियन फ्लेवर के आइसक्रीम मिलते हैं, इसीलिए वी केम हियर। एनीबडी स्टेइंग इन ब्रैम्पटन गाइस डू विजिट देम, दे हैव अ रियली गुड टेस्ट एंड फ्लेवर फॉर इंडियन आइसक्रीम। इट्स सो यम। ऋतिक, दिस इज स्विस चॉकलेट एंड हाउ इज इट? મન ચાખવા નહી દીધો, આટલી વાર થી તો ખાય છે તું ભાઈ। This is really yum. So हम शॉपिंग करके खाना खा के आ गए हैं और हम अभी फिलहाल हमारा डेजर्ट टाइम एंजॉय कर रहे हैं। हम खा रहे हैं आइसक्रीम और वो भी तवा आइसक्रीम। The next morning. Hello, good morning from Brampton. तो हो गई है सुबह। हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे लेकिन फिर हम लोग बाहर गए, मज़ा किया, तो फिर लेट हो गया तो हमें यहाँ ही स्टे करना पड़ा। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं हमारे जो थोड़े काम थे वो करने के लिए और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ और मैं दिखाती हूँ आपको हम फिर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। सो गाइज, ये हमारे फ्रेंड ने रिसेंटली न्यू वेंचर स्टार्ट किया है विच इज़ मिस्टर सब। तो एनीबडी इन ब्रैम्पटन प्लीज़ डू विजिट, बहुत ही अच्छा स्पेस है, एम्बियंस है और सर्विस इज़ ऑब्वियसली वेरी गुड। मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूँगी, प्लीज़ डू विजिट। और फिर उसके बाद हम आ गए थे हमारा नाश्ता पिकअप करने के लिए और आज तो हमने सोच लिया था कि हम खाएंगे वड़ा पाव, तो मज़ा ही आ गया वड़ा पाव खा के। तो यहाँ से सो हमारा हाफ वे थ्रू काम हो चुका है, हमने अपना नाश्ता भी पिकअप कर लिया है, हम आज खाएंगे वड़ा पाव और
उस बीच मेरा बर्थडे गिफ्ट ड्यू था मेरे अंकल के यहाँ, तो फिर हम वहाँ गए थे उनसे मिलने और बर्थडे गिफ्ट लेने। और मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, आज बहुत अच्छी सी धूप है और मज़ा आ रहा है वैसे। तो फिर हम करेंगे नाश्ता और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। दिस इज़ द गिफ्ट जो मेरे अंकल ने दिया है, आई रियली लव्ड इट, इट्स वेरी नाइस। ब्रैम्पटन आने की कुछ बात ही अलग होती है, और स्पेशली इस घर में आने की वापस, क्योंकि हमारा बैकयार्ड इतना सुंदर है और आज वेदर भी इतना अच्छा है, तो इतनी मज़ा आती है यहाँ पे बैठने की और ऐसे ही एंजॉय करने की। तो फ़िलहाल मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ और बस ऐसे ही यहाँ बैठी हूँ धूप सेकने के लिए। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे और सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है, यहाँ की तो बात अलग ही है। बस तो हमने बस किया हमारा नाश्ता ख़त्म, अभी मैं थोड़ी अपनी चाय और अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हूँ, और बस उसके बाद हम चलेंगे वापस अपने घर, बैक टू रूटीन। बस तो कुछ काम था इसलिए हमें इस वीकेंड यहाँ पे वापस आना पड़ा, नहीं तो, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, नहीं तो वैसे कुछ हमारा प्लान नहीं था यहाँ पे आने का। लेकिन मुझे जब भी यहाँ आने मिलता है ना, मैं मौका नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ मैं ऐसे अकेले अकेले हो जाते हैं, कुछ इतना है भी नहीं, एकदम गांव जैसा है, तो इतनी मज़ा नहीं आती, और यहाँ पे सब कुछ बहुत लाइवली होता है तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाती है। तो बस अभी थोड़ी सी चाय एंजॉय करते हैं और उसके बाद जाते हैं फिर वापस घर। ये देखिए, तो मैं सबको बता रही थी, लाइक इतना ये हमारा बैकयार्ड है और कितनी अच्छी ग्रास और धूप आ रही है, इतना अच्छा मौसम लग रहा है और साथ में चाय, मज़ा ही कुछ और होता है बात का। सो बस बातों ही बातों में हम पहुंच गए हैं वाटरलू अपने फ्रेंड्स के पास, यहाँ हमने साथ में डिनर किया। दिस इज़ दाल रोटी, ये भी हमारे एक फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, गाइस प्लीज़ डू विजिट देम, द एड्रेस इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। One eternity later. Hello guys, so हम ब्रैम्पटन से तो आ गए थे लेकिन हमारी बैटरी इतनी डाउन थी कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, बस हम सो गए और फिर आज काम था। फिलहाल हम लोग ग्रोसरी स्टोर आ गए हैं ग्रोसरी लेने के लिए, क्योंकि पूरा वीकेंड ऐसे ही चला गया और ग्रोसरी तो ली नहीं, तो बस यही सारा कुछ करके फिर ग्रोसरी शॉपिंग करके चलते हैं घर। सो हमारी ग्रोसरी शॉपिंग तो हो गई, हमने लिटरली 5 मिनट में ग्रोसरी शॉपिंग की है, क्योंकि हम आज डिसाइड करके आए थे कि हम घर से डिसाइड करके आए थे कि क्या क्या चीज़ें लेनी है ताकि हम जाके फटाफट आ जाए, क्योंकि कभी भी ऐसे ही चले जाओ ना तो जो नई चीज़ें होती है चीज़ें वो भी आ जाती है, तो इसीलिए हमने फटाफट ग्रोसरी शॉपिंग तो कर ली। अभी फ़िलहाल हम डॉलरामा आए हैं, बस एक दो चीज़ लेनी है हमें और फिर यहाँ से चलते हैं घर। सो बेसिकली यह डॉलरामा में क्या होता है कि मैक्सिमम $5 तक आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। तो जैसे देखो, ये सारे कप्स के सेक्शंस हैं, यहाँ पे बॉक्सेस हैं, लाइक टेक अवे बॉक्सेस या टिफ़िन बॉक्सेस आप मान लो, लिटरली कोई इंसान अपना घर बसा सकता है, हर एक चीज़ यहाँ मिल जाती है। ये देखो, ये पूरा किचन का एरिया है जहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो बहुत ही अच्छी स्टोर है, घूमने की भी मज़ा आती है यहाँ पे। तो चलो हम करते हैं हमारी शॉपिंग ख़त्म और फिर चलते हैं घर। सो यहाँ पे खिलौने भी मिल जाते हैं, सुई धागा से लेके वो इतना छोटा सा चीज़ भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, खाना बहुत बेसिक होता है लाइक स्नैक्स वगैरह टाइप, बट वैसे आपको चाहिए तो गार्डनिंग का सामान, हर एक चीज़ यहाँ मिल जाती है। सो यहाँ डॉलरामा में तो हमें जो चाहिए था वो मिला नहीं, तो हम ऐसे ही जा रहे हैं वापस घर। लेकिन वेदर बहुत अच्छा है, आपको मेरे फेस पे सनलाइट दिख रही होगी, बहुत ही अच्छा वेदर है। और फिलहाल अभी बज रहे हैं 7:10 और कितना अच्छा मौसम, ऐसा लग रहा होगा जैसे कि 4 या 5 बजे होंगे लेकिन अभी 7:10 हो रही है। तो मैं ये बता रही थी कि डॉलरामा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मिनिमम और डॉलर और मैक्सिमम $5 तक आपको हर एक चीज़ें मिल जाती है, लिटरली कोई इंसान अपना एक घर भी बसा सकता है, हर एक चीज़ वहाँ मिल जाती है, हर एक चीज़। देखिए कितना अच्छा सन है और कितना अच्छा वेदर है,
ऐसा लग रहा है आपको कि अभी 7 बज रहा है, ये ऐसा सेम वेदर रहेगा और 8 बजे तक, उसके बाद धीरे धीरे सनसेट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा वेदर है। सो ग्रोसरी शॉपिंग के बाद मैंने घर आके बनाई थी ब्रेड, बहुत ही अच्छी बनी थी। मैंने इस टाइम वीडियो शूट नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर हाउ इट विल बी, बट नेक्स्ट टाइम मैं पक्का दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाई और कैसी थी ये। सो यहाँ मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि ब्रेड कैसी बनी थी। इट वॉज अमेजिंग, लाइक मॉइस्ट, सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा ही अच्छी ब्रेड बनी थी। और मैंने होल व्हीट ब्रेड बनाई थी। अब नेक्स्ट टाइम मैं थोड़े वेरिएशंस ट्राई करूँगी, अभी मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी तो मैंने बस सिंपल ही रखी है। शॉपिंग जो मैंने की थी वहाँ मॉल से, सो दिस इज़ काइंड ऑफ 2 प्लाजोज एंड उसके साथ मैंने लिया है इनर एंड श्रग जो दोनों में चल जाएगा। सो वेन एवर आई विल ड्रेस इट आई विल शो यू गाइज कि ये कैसा दिख रहा है, लाइक द फुल लुक, बट दिस इज़ वॉट आई शॉप्ड फ्रॉम देयर। सो गाइज ऐसा ही था हमारा वीकेंड और वही छोटी मोटी चीज़ें जो हमें काम था और करना था वही सब कुछ। और हाँ, मैंने वीडियो में शेयर किया है कि मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने न्यू वेंचर स्टार्ट किया है। एक फ्रेंड है, उसने स्टार्ट किया है मिस्टर सब, और अनदर फ्रेंड ही हैज़ स्टार्टेड दाल रोटी विच इज़ अ रेस्टोरेंट। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका एड्रेस डाल रही हूँ, गाइस डू ट्राई द फूड आउट देयर। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, बहुत ही अच्छी सर्विस है और फूड तो नो डाउट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। सो प्लीज़ जो कोई भी कनाडा में रह रहा है, गो एंड विजिट देम। और बस यही था। सो फिर हम मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन सी यू एंड टेक केयर। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।